अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी में तीन अलग कमरे डिजाइन करवाए। पहले कमरे को ब्यूटीफुल नाम दिया गया। इस कमरे में बहुत अच्छी खिड़कियां थी, लाइटिंग थी, आर्ट पेंटिंग थी, अच्छी कंफर्टेबल कुर्सियां, बुककेस और कारपेट था। दूसरे कमरे को एवरेज नाम दिया गया। ये साफ तो था पर इसका डिजाइन बिल्कुल एक ऑफिस रूम जैसा था, काफी डल। तीसरे रूम का नाम अगली रखा गया। यहाँ की दीवारें काफी गंदी थी और दीवार का कलर भी एक डल सा ग्रे था। इस कमरे में चीजें समेटी नहीं थी, इस कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था, एस्ट्रे पड़ी थी और झाड़ू वगैरह वहीं दिख रहा था। फिर कुछ स्टूडेंट्स को वहां लाया गया और उन स्टूडेंट्स को तीन इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और हर एक ग्रुप को एक एक कमरे में डाल दिया गया। फिर उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई गई और उन्हें कहा गया कि उन्हें इन फोटोग्राफ्स को एनर्जी और वाइब्रेंट के मूड पर रेट करना है। शायद हमें लगेगा कि इन तीनों ग्रुप्स की रेटिंग मोर और लेस सेम ही होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इनकी रेटिंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। जिन लोगों ने अगली रूम और एवरेज रूम में बैठकर रेटिंग दी थी उनकी रेटिंग्स उन्हीं फोटोग्राफ्स को देख के काफी कम थी, जबकि जो स्टूडेंट्स ब्यूटीफुल रूम में बैठे थे उनकी रेटिंग्स उसी चीज को लेके काफी अच्छी थी। यहाँ तक कि उनके एग्जामिनर्स पर भी ये असर देखा गया था। जो एग्जामिनर्स अगली रूम में बैठे थे वो भी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे, बहुत ही थके हुए और गुस्से में थे। इस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे माइंड पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ता है और इसकी वजह से हमारा मूड चेंज होता है। अगर हमारे घर में कोई ऐसा कमरा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है तो हमारा मन वहाँ पर ज्यादा लगेगा और हम इंस्पिरेशन गेन कर पाएंगे। हम अपना काम इस कमरे में ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं और इसीलिए रूल नंबर 1 यही कहता है कि हमारे घर में कम से कम एक कमरा ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही साफ हो। नेक्स्ट रूल कहता है कि डू नॉट हाइड अनवांटेड थिंग्स इन द फॉग। साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि उनके फादर इन लॉ अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। उनकी वाइफ को भूलने की बीमारी हो गई थी और उसके बाद भी उन्होंने अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखा था। वो 84 एज के हो गए थे लेकिन उसके बावजूद वो अपनी पत्नी पर कभी गुस्सा नहीं हुए। इस एज में भी वो उन्हें व्हीलचेयर में ले जाते थे और घुमाते थे। वो बहुत ही शांत इंसान थे, पर एक इंसिडेंट उनकी फैमिली में बहुत फेमस है और वो ये है कि जब ये दोनों यंग थे तब उनकी वाइफ हर रोज अपने हस्बैंड को छोटी प्लेट्स में खाना देती थी और वो चुपचाप खा लेते थे। लेकिन एक दिन उन्हें बहुत गुस्सा आया और फाइनली उन्होंने अपनी वाइफ से चिल्लाकर कहा कि वो उन्हें ये खाना हमेशा छोटी प्लेट्स में क्यों देती है, बड़ी प्लेट्स भी तो इस घर में अवेलेबल हैं। सरप्राइजिंग बात यह थी कि वो पिछले 20 सालों से इन्हीं प्लेट्स में खाना खा रहे थे और हमेशा अपनी वाइफ से प्यार से बात करते थे। लेकिन सवाल ये था कि अचानक से इस छोटी सी बात पर उन्हें गुस्सा क्यों आया। पीटरसन कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अपने रिलेशनशिप में एक दो ऐसी चीजें दिल में रखेंगे जो हम अपने पार्टनर से नहीं चाहते तो शायद फिर भी हमारा रिलेशनशिप चल पड़े। लेकिन अगर हमारे रिलेशनशिप में 100 ऐसी चीजें हैं जो हमने सालों से अपने दिल में रखी हुई हैं, तो पक्का एक ना एक दिन हमारी रिलेशनशिप या मैरिज टूट जाएगी। इसीलिए जो हमारे दिल में है उसे दूसरे को बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर उस एक दिन के लिए छोटी सी लड़ाई ही क्यों ना हो। मैं रिसेंटली बिल गेट्स की वाइफ मेलिंडा गेट्स का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें इंटरव्यूअर उनके और बिल गेट्स के डाइवोर्स का रीजन पूछ रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा डाइवोर्स का रीजन बिल का अफेयर था, तो इस पर उनकी वाइफ ने कहा नहीं, मैं उसके लिए उन्हें माफ कर चुकी थी। लेकिन एक के बाद एक और ऐसी चीजें होती रही कि एक वक्त ऐसा आया कि इतनी सारी चीजें मेरे दिल में थी कि मुझे पता चल गया था कि मैं बिल के साथ अब नहीं रह सकती। रूल नंबर 3 कहता है टू रिलीज प्रेशर सोशलाइज। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैरी हार्लो ने कम्युनिकेशन की एब्सेंस के इफेक्ट को समझने के लिए एक डिवाइस बनाया। ये डिवाइस बस एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें फूड बॉक्स और एक वाटर बॉटल होल्डर भी था। इस चैम्बर में वो मंकीज को रखा करते थे और इस फूड बॉक्स से वो उन्हें खाना और पानी दिया करते थे, पर इस छोटे से डब्बे में इन मंकीज का और कोई सहारा नहीं था, वो एकदम अकेले हो गए थे। इन फैक्ट उन्होंने इन मंकीज को 6 महीने से लेकर 1 साल तक आइसोलेटेड रखा। जब ये बंदर बाहर आए तो इनका ब्रेन डैमेज हो चुका था। जो बंदर माएं थी उन्होंने अपने ही बच्चों की उंगलियां खाना शुरू कर दिया और कुछ ने उनके स्कल को एकदम तोड़ दिया। ये मंकीज अब मेट भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट काफी दर्दनाक था और हैरी हैलो को इस एक्सपेरिमेंट के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। आइसोलेशन कभी कभार सही हो सकती है जब इंसान अच्छा महसूस ना कर रहा हो और उसे टाइम की और स्पेस की जरूरत हो, पर हर वक्त अकेले रहने से इंसान के दिमाग पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जो उसके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सोचते हैं हम सिर्फ अकेले रह सकते हैं तो शायद कुछ हद तक हम सही हैं। कुछ गोल्स पाने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए अकेले रहना ही पड़ेगा, लेकिन जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। ये पेपर लैंसेट में पब्लिश हुआ था जो बताता है कि पैंडेमिक में लॉकडाउन के टाइम में सुसाइडल रेट इंक्रीज हो गए थे, इवन कि बहुत से मेंटल इश्यूज फेस करने पड़े और इसका रीजन था लॉकडाउन। घर पर हर वक्त अकेले रहने से इंसान ऐसे थॉट सोचता है जो उसके माइंड में कभी नहीं आने चाहिए। ह्यूमन कॉन्टेक्ट इंसान को खुश रखता है और अननेसेसरी ओवरथिंकिंग से भी बचाता है। नेक्स्ट रूल कहता है कि डू नॉट डू व्हाट यू हेट। ऑथर की एक क्लाइंट थी जो अपने काम पर बहुत फोकस थी, पर ऑफिस में एक ऐसी बात चल रही थी जो उसे थोड़ा बॉदर कर रही थी।
हुआ ये था कि ऑफिस में एक फ्लिप चार्ट पड़ा था और धीरे धीरे ऑफिस के लोगों ने ये डिस्कशन शुरू कर दी कि फ्लिप चार्ट बोलना गलत है क्योंकि ये फिलिपिनोज यानी फिलीपींस में रह रहे लोगों के लिए एक रेसिस्ट वर्ड था और ऑफिस में जो फिलीपींस से लोग हैं उन्हें इस बात का बुरा लगेगा। हर रोज बहुत से लोग एक दूसरे को मेल्स करते हैं और उस मेल में लिखते हैं कि इस वर्ड की जगह वो कोई दूसरा वर्ड यूज करें और फाइनली कुछ महीनों के बाद ये डिसाइड हुआ कि फ्लिप चार्ट का नाम बदल के राइटिंग बोर्ड रखा जाएगा। ऑथर की क्लाइंट को ये बात एकदम बेतुखी लगी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ टाइम के बाद ये डिस्कशन आगे बढ़ने लगी और ऑफिस के लोग कहने लग गए कि ब्लैक बोर्ड कहना भी रेसिस्ट है क्योंकि इससे ब्लैक यानी काले लोगों को बुरा लग सकता है। अब ये बातें उसके लिए भी बहुत ज्यादा अनोइंग होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ब्लैक बोर्ड या इवन ब्लैक पेपर, ब्लैक पेन, क्या इन सबका नाम भी चेंज किया जाएगा। उसने सोचा कि वो कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि अगर वो कुछ कहेगी तो लोग समझेंगे कि वो रेसिस्ट है। पर वो चुप बैठ नहीं पा रही थी इसलिए उसने जॉब छोड़ दी और एक कॉर्पोरेट लेक्चरर बन गई जहाँ पर वो कंपनीज में जाके उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बता दी थी कि इससे कंपनीज का कितना टाइम वेस्ट होता है और इससे बाकी कंपनीज की रेगुलेशंस में काफी चेंजेस आए। इन शॉर्ट इस पॉइंट की लर्निंग ये है कि अगर हमें लगता है ब्लैक बोर्ड वर्ड रेसिस्ट नहीं है तो दूसरों के प्रेशर में आके अपनी वोकैबुलरी बदलना जरूरी नहीं है। इन शॉर्ट अगर हम कोई काम नहीं करना चाहते और जबरदस्ती हम कोई काम करते हैं तो उससे अननेसेसरी थॉट्स हमारे माइंड में हमेशा आते रहेंगे जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी होगी। अपने आप को इस अननेसेसरी प्रेशर से दूर रखने के लिए कोई भी काम जिससे हमें खुशी ना मिले वो कभी भी ना करें। नेक्स्ट रूल कहता है कि लूजर्स वांट आइडियोलॉजी, सुपर इंटेलिजेंट पीपल वांट ट्रूथ। आप काफी सारी चीनी लो और उसे ठंडे पानी में डाल दो और उसे स्पून से घुमाओ और ऐसा करते जाओ। जब आपको लगे कि इसमें और शुगर नहीं जा सकती तो उस पानी को बॉयल करो और आप उसमें और ज्यादा शुगर डाल सकते हो। अगर अब आप इस पानी को ठंडा होने दो तो इस पानी में इतनी शुगर आ जाएगी जितनी कि आप नॉर्मल ठंडे पानी में भी नहीं डाल सकते थे। इस सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अगर अब आप इस सोल्यूशन में सिर्फ एक चीनी का दाना डाल दोगे, जैसे ही ये चीनी का दाना इस सुपर सैचुरेटेड पानी में जाएगा तो वो पूरा पानी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि ये क्या है, तो जॉर्डन पीटरसन के ओपिनियन में ये उन लोगों की सिचुएशन है जो किसी आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, मतलब कि उनका ब्रेन ऑलरेडी सुपर सैचुरेटेड है और वो कोई भी नया थॉट ब्रेन में डाल ही नहीं सकते। तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें ट्रूथ फाइंड करना है यानी सच्चाई क्या है, ना कि किसी आइडियोलॉजी पर चलना है। इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है विशफुल थिंकिंग। हम किसी भी चीज को सच मानना चाहते हैं चाहे वो एक्चुअल में सच ना भी हो और जिसकी वजह से लोग रियल ट्रूथ को सीख ही नहीं पाते और एक गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ सुपर इंटेलिजेंट लोग ही इसे बच सकते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि इफ ओल्ड मेमोरीज अपसेट्स यू, राइट देम डाउन केयरफुली एंड कम्प्लीटली। साइकोलॉजिस्ट पीटरसन के पास एक दिन एक पेशेंट आई और उसने उनसे कहा कि जब वो छोटी थी तो उसे किसी ने मोलेस्ट किया था। तब उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी और अटैकर उसे काफी बड़ा और शक्तिशाली था। कुछ सेशंस के बाद पीटरसन ने उस लड़की से पूछा कि अटैकर की उम्र क्या थी, तो लड़की ने कहा कि वो उस वक्त उससे 2 साल बड़ा था, यानी वो सिर्फ 6 साल का था। पीटरसन एकदम हैरान हो गए क्योंकि पहले वो उस आदमी को एक बड़ा आदमी कंसिडर कर रहे थे, पर अब उन्हें पता चला कि वो उस वक्त सिर्फ एक छोटा बच्चा था। इस पर पीटरसन ने उस लड़की से कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि वो इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि उसने जिंदगी में क्या फेस किया है, पर वो जिसे अपना अटैकर बता रही थी वो अपनी बचपन की मेमोरीज को याद कर रही है, लेकिन अगर वो देखें तो वो भी एक बच्चा ही था जिसे अभी अपने किए पर पछतावा है। लॉ की नजरों में भी उसे उस वक्त सजा नहीं दी जा सकती थी और इस इंसिडेंट की वजह से आज 30 साल के बाद भी वो लड़की इस इंसिडेंट को याद करके स्ट्रेस में आ जाती है। लेकिन जब पीटरसन ने उसे एक 6 साल के बच्चे को इमेजिन करने के लिए कहा जो कि उस लड़की के खुद के बच्चे की एज थी, तो उसका काफी स्ट्रेस रिलीज होने लगा और वो काफी रिलैक्स फील कर रही थी। ऑथर कहते हैं कि अपना स्ट्रेस कम करने का आसान तरीका ये है कि उसे किसी सुलझे हुए इंसान के साथ शेयर करो, और अगर कोई बात करने के लिए नहीं है तो उसे कॉपी पर लिख दो, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी पर ट्रस्ट किया है और उसने आपको धोखा दिया हो, या फिर आपको पहले किसी ने बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है और ऑब्वियसली आप अब ये नहीं चाहते कि ये दोबारा आपके साथ रिपीट हो। तो मैक्सिमम लोग इन मेमोरीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमें स्ट्रेस रिलीज करना है तो इसे पेपर पर लिख दो और आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए हमें पॉजिटिव कंटेंट को हमेशा सुनना चाहिए। तो अगर आपको एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए तो गीगल लाइफ लॉन्ग आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, जिसमें बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको हर वक्त गाइड करती रहेंगी। तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश में Amazon की टॉप 1000 बुक्स को सुनना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ऑडियो बुक समरीज अवेलेबल हैं और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। नेक्स्ट रूल कहता है वर्क एज हार्ड एज यू पॉसिबली कैन ऑन वन थिंग एंड सी व्हाट हैपेंस। पीटरसन कहते हैं कि अगर हमको नहीं पता कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए तो बस बैठे मत रहो और इस चीज का इंतजार मत करो कि फाइनली आपको समझ आएगा कि क्या करना चाहिए और फिर आप उसमें जान लगा दोगे। नहीं,
उससे बेहतर ये है कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही लें। शायद अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं और नहीं जानते कि आगे क्या होगा, पर इसका वेट हमें नहीं करना है कि हमें समझ कब आने लगेगा। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम साइंस पढ़े हैं तो उसे दिल लगा के पढ़ो, धीरे धीरे आपकी लाइफ खुद ट्रैक पर आने लग जाएगी और हम जैसे ही समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए हम फिर उस चीज पर फोकस कर सकते हैं। बट अभी के लिए कोई एक चीज डेफिनेटली चूज कर लो जिस पर हम मेहनत करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मोस्ट सक्सेसफुल अल्फा मैन के 7 रूल्स देखे, जिसमें पहला रूल था ट्राई टू मेक वन रूम इन योर हाउस एज ब्यूटीफुल एज यू कैन, यानी एक रूम कम से कम हमारे घर में बहुत ही साफ होना चाहिए ताकि वहां पर हमें पॉजिटिव वाइब्स आए। नेक्स्ट रूल था डू नॉट हाइड अनवांटेड थिंग्स इन द फॉग, मीनिंग एक दो बार तो हम अपने मन में कुछ ना कुछ दबा के रख सकते हैं लेकिन अगर 100 चीजें इकट्ठा हो गई तो इसकी वजह से रिलेशनशिप पक्का खराब है। रूल नंबर 3 है टू रिलीज प्रेशर सोशलाइज, मीनिंग जब भी प्रेशर हो तो उस वक्त हम बाकी लोगों के साथ रह सकते हैं ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए। नेक्स्ट रूल था कि डू नॉट डू व्हाट यू हेट, यानी कोशिश करो कि हम वो ना करें जो हमें पसंद नहीं है। अब इससे हमारा मतलब ये नहीं है कि हमें सुस्ती दिखा के नेटफ्लिक्स देखते रहना है, इसमें हम प्रिंसिपल्स और एथिक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल था लूजर्स वांट आइडियोलॉजी सुपर इंटेलिजेंट पीपल वांट ट्रूथ, मतलब कि लाइफ में अगर हम किसी भी आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली मानेंगे तो हम कभी भी नई चीजें नहीं सीख पाएंगे, तो हमारा गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें सच्चाई को जानना है। नेक्स्ट रूल था इफ ओल्ड मेमोरीज अपसेट्स यू राइट देम डाउन केयरफुली एंड कम्प्लीटली, यानी अगर हम अपना स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं तो हम अपनी पुरानी बुरी मेमोरीज को एक नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल था वर्क एज हार्ड एज यू पॉसिबली कैन ऑन वन थिंग एंड सी व्हाट हैपेंस, यानी अगर लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है तो बेकार बैठने के बजाय कोई भी एक चीज पकड़ लो और उसे पूरी मेहनत से करो, कुछ टाइम के बाद क्लैरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज दोस्तों अगर आप ऐसी नॉलेजबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।